हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके जो भी क्रश है उनकी इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहना है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का, रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करूँ, ठीक है? तो यस, देखते हैं क्या निकल के आता है आपके क्रश की करंट फीलिंग्स है। आपके इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल क्या है? आपका रिश्ता स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स, इनका रिश्ता स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? ऑब्स्टेकल क्या है इनके इस रिश्ते का? तो ये ऑब्स्टेकल है आपके जो भी क्रश है, जहाँ पे भी रह रहे हैं उनका एनवायरनमेंट कैसा है? ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स, इनका एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ पर भी रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं? तो ये इनका एनवायरनमेंट है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है? तो आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त की, वाओ, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अब, जो कि बिना सोचे समझे आपके पास आने के प्लानिंग चल रही है इनके। यस, डेफिनेटली इनके कोई ऐसे दोस्त है जो इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनके अच्छे के बारे में सोचते हैं और जो कि इनको आपके पास आने से रोक रहे हैं। इनको नहीं लगता कि आपके क्रश आपके पास आए, क्योंकि अगर ये आएंगे तो इनके साथ मतलब इनकी फैमिली में कुछ गलत हो सकता है, ऐसा इनके दोस्तों को लगता है, जो इनको बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। लेकिन आपके क्रश का ऐसे है कि नहीं, अब जो कि मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं, अब जो कि मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना ही है, वो मेरा बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, मैं उसके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता हूँ, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने उसको रिजेक्ट किया, मैंने उसको मना कर दिया, आज उसके बिना मैं कितना अकेला हुआ। आपके बिना इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपको मना करने का, आपसे मूव ऑन करने का, आपको छोड़ के जाने का, आपको झूठा रीज़न दे के किसी और के पीछे चला जाने का, जो भी है अपनी लालच के चलते, किसी और के चलते फिजिकल अट्रैक्शन हुआ होगा इनको। लेकिन इन्होंने अपना, जैसे कि इन्होंने सोचा था कि अगर ये आपसे मूव ऑन कर जाएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे जहाँ पर भी जा रहे हैं, इनका जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जो भी हो सकता है इनका लालच, उस लालच के चलते आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है? लेकिन वहाँ पर गए, जैसे ही इन्होंने सोचा था वैसा इनको कुछ भी नहीं मिला, ऊपर से इनके अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन आया, इसलिए बहुत ज़्यादा पछता रहे आपको मना करके और आपसे मूव ऑन करके, और जो कि बहुत ज़्यादा आपको मतलब ये इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं किसी से। इनके वही दोस्त जो इनको आपके पास आने से रोक रहे हैं, उन्हीं दोस्तों से बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं आपके लिए कि नहीं, तेरा कोई राइट नहीं बनता है मुझे इस तरह से रोकने का, मैं जाऊंगा, मैं उसको प्रूफ करूंगा मेरी गलती हुई है, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और वो मुझे माफ़ भी करेगी। लेकिन जो कि ये इनको बता रहे हैं कि नहीं, सामने वाला पर्सन तुझे माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तूने बहुत ज़्यादा गलत किया उसके साथ, उसका दिल तो तोड़ा ही है, ऊपर से उनके इमोशंस को पहले तरह कुचल के तू जा चुका है, अब किस मुँह से तू उसके पास जाएगा? इस तरह से इनके दोस्त इनको बोल रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। अगर इनके घर वाले आपको पसंद नहीं करते हैं ना, तो ये अपने घर वालों से लड़ रहे हैं आपके लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कि वो उसमें नाकाम हो रहे हैं, ठीक है? ये नहीं जीत पा रहे उन लोगों के सामने, या आपके लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं आपको अपना बनाने के लिए, लेकिन जो भी थर्ड पार्टीज है उन थर्ड पार्टी से आपके जो क्रश वो नहीं जीत पा रहे हैं, और इसलिए जो कि इनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का करंट में, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये ऐसे ही आएंगे आपके पास, मतलब थर्ड पार्टीज की परमिशन नहीं है, इनके घर वाले अगर आपको पसंद नहीं करते हैं और जो भी थर्ड पार्टी है वो भी इस रिश्ते से नहीं जा रही है, और अगर ये ऐसे आपके पास आएंगे तो आप तो पहले से तलवार लेके खड़े ही हो इनसे लड़ाई करने के लिए। इनको आपकी ये एनर्जीज फील हो रही है करंट में, तो ये आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन ये आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपसे ट्रू लव करते हैं, इसलिए दुनिया से आपके लिए फाइट कर रहे हैं। इस तरह के एनर्जीज निकल के आए हैं। इनका एनवायरनमेंट कैसा है? और इनके एनवायरनमेंट देखो, आपके जो भी क्रश है ना, प्रैक्टिकली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे है, पैसों की कोई कमी नहीं है। आपके जो भी क्रश है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि रिच पर्सन भी हो सकते हैं, और जो कि मतलब होता है ना, बाप दादा की कमाई, पहले से ही रिच, इस तरह की कुछ पर्सनालिटी है, और इनका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इनके एनवायरनमेंट में, ठीक है? इसी वजह से शायद इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होगा,
ईगो, आपको इनका यही ईगो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इनके ईगो मतलब कि इनके खून में ही है बचपन से, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रीट ही उनको ऐसा किया गया है कि आप बहुत ज़्यादा एम्परर और सामने वाला कुछ भी नहीं, इस तरह की एनर्जीज में बड़े हुए हैं, इस तरह का है, ठीक है। प्रैक्टिकली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑब्स्टेकल क्या है, आपका ये सब क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको दिल से बताना चाहते हैं वो आपसे कितना प्यार करते, जो कि आपको करंट फीलिंग्स में भी समझ में आया होगा, तो बताना चाहते हैं आपको अपना प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए इनके इमोशंस कितने बढ़ रहे हैं और कितना ट्रू लव आपसे करते हैं। किंग ऑफ कप्स ट्रू जेन्युइन लव को शो करता है, ये सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। आज इनकी फीलिंग्स ऐसे है ना, वो आधी रात उठकर भी आपके पास आके आपका कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, वो आपसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन ये फीलिंग्स वो आपको बताते ही नहीं है, ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं इस डर से कि आप उनसे फाइट करोगे, यही ऑब्स्टेकल में आया है, क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, अपने दिल की फीलिंग्स आपको बता नहीं रहे हैं इसी वजह से। और आप भी इनके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये मुझसे बात करे, लेकिन इनके पास वर्ड्स ही नहीं है बात करने के लिए। अब किस मुँह से आया आपके साथ बात करने के लिए, जो इस तरह से आपको लालच के चलते जो पर्सन छोड़ के चला जाता है, अपने बारे में सोच के, सिर्फ आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, उस पर्सन के पास वापस आते टाइम वर्ड्स होते ही नहीं कि वो बोले क्या आपसे। इनका यही हाल है, इनके पास वर्ड्स नहीं है आपको बताने के लिए, आपसे कहने के लिए, और ये नहीं कह रहे हैं, ऑब्स्टेकल में यही आया है, इसी वजह से आपका रिश्ता नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं आपको एंजल का क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए। एंजल गाइडेंस क्या आपके लिए, ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, ट्रू मैसेज दे। मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, ट्रू मैसेज दे। क्या गाइडेंस है आपके लिए, यस आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रह रहे हो, तो यस आपको जैसे कि अपना माइंड, दिल, दिमाग खुला रख के सोचना है आपके क्रश के बारे में। हो सकता है कि जैसे आपको पहले छोड़ के गए थे, चांसेस स्ट्रांग है फिर से भी छोड़ के चले जाए, इसीलिए जो कि बोल नहीं पाते, अपने दिल की फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। ट्रू लव इनको इस वक्त फील हो रहा है ना आपके लिए, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके 4-5 महीने में, 1 साल में फिर से चेंज हो जाए और आप जैसे कि इस तरह से फिर से थक जाओ इनके एनर्जी से। तो इनके साथ रिश्ते में जाने से पहले, मतलब ये अभी आपके साथ फीलिंग शेयर नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में तो डेफिनेटली करेंगे, तो उस टाइम पे जैसे कि आपको सोचना है इनके बारे में कि क्या आपको इनके पास जाना चाहिए। और क्योंकि जो पर्सन आपको एक बार चीट करके जाता है, स्ट्रांगली चांसेस बनते हैं कि फिर से अगर उसको आपसे बेटर कोई ऑप्शन दिख जाए तो फिर से वो आपको छोड़ के चला जाएगा, इस तरह से है। तो इनके साथ रीयूनियन करने से पहले आपको 10 बार सोचना है, आपको यूनिवर्स यही गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पेज ऑफ पेंटाकल्स है, इनकी तरफ से आपको डेफिनेटली एक्शन आने वाला है, तो सोच समझ के करो जो भी करना है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हो, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।